एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और हम लोग सुबह 4:30 बजे उठ गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा आंधी आ रही थी, बाहर कपड़े वगैरह पड़े थे, बहुत सारी चीजें पड़ी थी, वो सब समेट के उसके बाद फिर सो गए थे। फिर 6:30 बजे उठे, चिपू पापा गए हैं शूट पे, उनका आज गाने का शूट है, तो अभी बज गए हैं 1। अभी फाइनली सारे उठ गए हैं। अभी गोलू जा रही है हॉस्पिटल अपनी रिपोर्ट दिखा के आ रही है, तो मैं भी रेडी हो गई हूँ हॉस्पिटल के लिए। और हॉस्पिटल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है आज। वैसे तो कल हमने रिपोर्ट मैम को, डॉक्टर शिवांगी थी वहाँ पे, उनको दिखा दी थी, बट नूपुर मैम को दिखाना जरूरी है क्योंकि ये रिपोर्ट्स के बिहाफ पे मैम बताएगी कि कितने बजे आना है। वैसे तो फिक्स है कि डेट बताई हुई डिलीवरी की, बट फिर भी मैंने सोचा मैम से कंफर्म कर लेती हूँ। साथ ही साथ मेरे यहाँ पे नारियल पानी भी आ गया और पायल भी तो नारियल पानी पी रही है, नारियल पानी पी के चलती है। बीपी शुगर तो ऐसे लगता है नॉर्मल हो गया ना आजकल, रोज चेक कराना पड़ता है। सही है इसका बीपी है, एकदम बढ़िया। मेरा शुगर भी ठीक है। हाँ, तेरा होमोग्लोबिन नहीं है तेरे में, खून नहीं है। हाँ, सारा मैं ही चूसती हूँ, सही बात है। मेरे को इसने बदनाम कर दिया भैया पूरी दुनिया में कि मैं खून पीती हूँ। मेरा खून निकल रहा है। अच्छा, खून खून से इसका भी निकल रहा है। तो अब है गोलू की टर्न, गोलू का बीपी और पल्स रेट जो है वो चेक हो रही है, सही है कि नहीं है। ये तो ऑपरेशन थिएटर में लगा रहता है गोलू, पल्स रेट चेक करते रहते हैं ना, डाउन तो नहीं जा रही। तो अब हाथ नीचे, चीकू अब हाथ नीचे कर सकते हो ठीक? नहीं, पहली बार दिया ना पल, पर फिर भी यार डरा नहीं बच्चा भी, तो बच्चे इतना रोते फिर मनाओ, उसको नहीं मनाना पड़ता। गाइस, हॉस्पिटल से आने के बाद ना इतनी तेज भूख लग रही थी क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ना 7:30 खाना खाया था। सबसे पहले आते खाना खाया, लंच करा, लंच करने के बाद कपड़े चेंज करे, तो अभी चल रही है घर की साफ सफाई। क्योंकि क्या है, जब तक हम खुद डस्टिंग नहीं करते, खुद साफ सफाई नहीं करते, ड्रॉर सेट नहीं करते, तो चीजें मैनेज नहीं होती। तो सारे के सारे ड्रॉर से वो भी सेट हो रहे हैं, सब सामान वॉशरूम से निकाला, जो एक्स्ट्रा सामान है इस बास्केट में रख दिया, मतलब इस बकेट में रख दिया। खाना वाना हो गया एकदम डन, और क्या बोलते, चीकू को बहुत ही मुश्किल से परांठा खिलाया। एक तो खाया नहीं इसने पूरा, थोड़ा सा मतलब लगा लो 80% खाया है एक परांठे में से भी, बट फिर जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, इसकी तबीयत खराब है। तो अभी मैंने इसके लिए दूध मंगवा दिया, मैंने कहा चल सोते हुए दूध पी लो चीकू, दूध पी के सोना है ठीक है, थोड़ी देर तबीयत खराब है ना, इन नहीं करनी है। अभी भी हम लोग ना सोकर उठे, पाल की तबीयत हो रही है बहुत ज्यादा खराब, इसके पेट में दर्द हो रहा है निचले हिस्से के अंदर। किससे दर्द हो रहा है पाल? राइट साइड पे, यहाँ कह रही राइट साइड पे दर्द हुआ है, तो एक काम करती हूँ फटाफट डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। चल चले हैं, ओडा भैया को बोलते नीचे आ जाए, इसके नीचे दर्द हो रहा है दीपक पेट में। हाँ चल, रो क्यों रही है पागल, रो क्यों रही है? तो कोई बात नहीं, जाने को कोई फायदा तो नहीं होता, बट सेटिस्फेक्शन तो मिल जाएगी ना। दर्द क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है निचले हिस्से में दर्द इतना, पता गाइस? सच में ये जो प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी का जो आखिरी टाइम है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम है। मेरी भी तबीयत ऐसी खराब खराब सी हो रही है, मतलब कि बीच बीच में, तो 9वां महीना मेरा और ये 8वां महीना पायल का। चल मेरे को 2 मिनट दे, मैं 2 मिनट में शॉर्ट चेंज करती हूँ, उठा मेरे को फोन करती हूँ, जॉब करती हूँ। ऐसे अब नहीं हो रहा, ऐसे करवट। मैं समझ गई उसको ना, मरोड़ सी पड़ रही है पेट में। अभी इसका जो पेट दर्द है ना, सोते सोते अचानक से इतनी तेज इसने बोला आ, 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 अभी इसका बंद हो गया है। पर फिर भी रिस्क मत ले, चल चलते डॉक्टर के पास, चल चलते हैं। हाँ जी, मैं कृतिका बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही कि अभी मैम है नूपुर मैम है, कोई भी गायनी मैम है पायल के ना राइट साइड, कौन है? हेलो जी, मैं कह रही हूँ नूपुर मैम है। मैम डॉक्टर जसलीन बैठे हैं। ठीक है ठीक है, मैं पायल को लेकर आ रही हूँ, पायल के राइट साइड में बहुत तेज पेन हो रहा है, आती हूँ। चल मैम बैठे, कोई ना कोई तो मैम होती है, चल। हाँ चेंज कर रही हूँ, चलते हैं। तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है। कल रात को मैं भी सो रही थी, तो मेरे भी कल मैं पायल को बोल रही हूँ, मैं क्या पता नहीं पायल मेरे ना पेट में दर्द दर्द से हो रहा है। तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये ना डिलीवरी के होने से पहले के जो सिम्टम्स होते हैं वही है शायद, डॉक्टर से बात की थी, बट पायल का तो भी टाइम है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। पायल अभी हॉस्पिटल नहीं जा रही, मना कर दिया पायल ने कि मैं सही हूँ, अगर दोबारा दर्द हो तो पायल चलते हैं हॉस्पिटल पे ठीक है। सर दर्द ठीक नहीं हो रहा सुबह से, सर दर्द वो सर दर्द पता है नींद की वजह से हो रहा है, इसलिए ठीक नहीं हो रहा। रात के बज गए हैं 11, चीकू के पापा का भी शूट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा क्योंकि उन्हें ना 9 बजे के करीब फोन किया था, तो उन्होंने कहा था 2 घंटे तक कंप्लीट हो जाएगा, बट ना शूट में बोलते हैं 2 घंटे टाइम लग जाता है, तो वो भी इतना थक चुके होंगे क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे के करीब निकल गए थे, और बस आएंगे आके खाना वाना खाएंगे, वो भी सो जाएंगे। कल हमसे गलती हो गई थी, हमने चीकू को टैबलेट दी और समझाया यहाँ रख और पानी पी ले, ये नहीं समझाया अंदर रखनी है, मतलब प्रॉपर समझा नहीं पाए उस टाइम, फटाफट हो गया था। उसको टैबलेट दी, इसने यहाँ रखी और पानी पी लिया, उसके पीने के बाद ना टैबलेट चबा रहे, जैसे टैबलेट चबाई इसने एमसेट पी हुई थी वो भी निकल गई और फिर वॉमिट हो गई। फिर घर आके इसके पापा ने इसको इतनी अच्छे तरीके से दवाई पिलाई और दोपहर को मैंने ही पिलाई। आज सुबह से मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा बेड से खड़े होने का, क्योंकि टमी मेरा तो बिल्कुल नीचे आ गया है, जैसे ऊपर से आता ना पेट, ऊपर से नहीं आ रहा, मेरा टमी नीचे की तरफ जा रहा है, और बस वेट जो है ना पूरा प्रेशर मेरे पैरों पे आ रहा है, इसलिए पैरों में भी सूजन आ रही है, और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। घर में ऐसा दिल कर रहा है बस लेटी रहूं लेटी रहूं लेटी रहूं, वही कर रही हूं। तो बस गाइस, इसी अपडेट के साथ इस ब्लॉग
व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।